तो इधर दोस्तों देख सकते हैं मेरे सानवी बेटी को रेडी कर रही है मम्मी उसकी। देखिए सानवी लिपस्टिक लगा ली ना, सानवी दिखाओ इधर घूमो। ये देखिए कबूतर लग रहा है, आप लोग को नजर आता होगा। स्वागत है फैन गोलू फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे होंगे? स्वस्थ भले होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी सुबह हो रही है, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों सवेरे सवेरे देखिए हम कुल्हाड़ी आदि लेके कोड़ी लेके चेयर में अपना मूला बाड़ी। आज मौसम भी मतलब ना रात के टाइम बारिश हुई थी, देखते हैं अभी थोड़ा मोड़ा हम लोग का मूला नहीं निकला था, तो उसमें सोच रहे फिर से लगा देंगे हम लोग, इसीलिए हम लोग दोनों चेयर। आज फिर शनिवार है दोस्तों, नहा धोवा के भी खाना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, अब 7 हो रहा है ना जी, 7 बजे। ये देखिए हम लोग बाड़ी पहुंच चुके हैं दोस्तों, और आप लोग को दिखाएंगे आज हम लोग का मूला कितना बड़ा बड़ा हो गया, कुड़ाई भी स्टार्ट हो गया हम लोग का। तो दोस्तों देखिए हम बाड़ी पहुंच गए हैं, देखिए बारिश हुई तो चारों तरफ देखिए भीगा हो गया लग रहा है पूरा जमीन, अभी देखते हैं बनता है कि नहीं कोड़ने का, अभी थोड़ा सा लगाने का सोच रहे थे। देखिए इधर निकला है ठीक ठाक, लेकिन इधर हम लोग का निकला ही नहीं, देखिए नज़र ही नहीं आ रहा है हम लोग, जो थोड़ा मोटा दिख भी रहा है ना उस सब हम लोग का घास है ये देखिए। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे अभी, अभी देखिए इधर हम लोग का कितना मस्त टाइप से निकला, देख लेते कोड़ाई भी स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, तो सॉलिड लग रहा है ना जी, थोड़ा मोड़ा गिर रहा है लेकिन बारिश हुई है ना इसीलिए। तो चलते हैं दोस्तों अपना काम काज करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों इधर देखिए लाइनिंग वगैरह हम खींच लिए हैं फिर से, देखिए आप लोग को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एगो निकला हुआ, देखिए ये है मूली का पौधा, देखिए यहाँ पे भी एगो है, वो सब घास वूस है, इसमें एक भी थोड़ा सा नहीं है, इसीलिए हम लोग जहाँ तक देखिए लाइनिंग पूरा भी नहीं खींचे हैं, जिधर तो इधर निकला उधर छोड़ दिए, उधर कल लगाए थे शाम के टाइम क्या है आप लोग को नहीं दिखा पाए थे ब्लॉग में, और उधर देख सकते हैं हम लोग का पूरा। अभी देखिए सूर्योदय होने लगा, देखिए तुरंत मौसम ख़राब अभी सूर्योदय होने लगा है, उधर गोलोक में गिरा रही है देखिए। ये रहा दोस्तों देखिए इधर जिसमें हाल टाइप सा लग रहा है, आप लोग को लाइनिंग वगैरह खींचा हुआ और सब देखिए हम लोग का हो गया, थोड़ा सा घट गया यहाँ पे, तो हमको लग रहा है अब नहीं लगाएंगे क्या, एक बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए हम लोग सब कुछ यहाँ पे ले लिए, अब चलते हैं घर के, चप्पल मेरा यहीं पे है। चलिए देखिए इधर से गोलू की माँ निकलने लगी है रास्ता से, तो चलिए दोस्तों अभी जाते हैं हम भी नहा धोवा के, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं और खाना पीना खाएँगे, काफ़ी टाइम हो गया है अब, इतना देर तक भूखे कभी नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा भूखे होने लगे हैं दोस्तों। इधर घर पहुंच के देखिए हम गमछी वगैरह ले लिए नहाने जाने के लिए, रेडी हो चुके हैं, और ये देखिए आते समय क्या किए बड़का बड़का पत्ता ले लिए, देखिए उधर गोलू की माँ बांध रही है बकरा सबको, देखिए और कहाँ गया जी खसीट हम लोग का, उधर है ना, ओ नंबर रस्सी मिल गया देखिए, उधर जाके खाने लगा, देखिए सारा बकरी सबको दे दिए, इधर भी और सारी बकरियाँ हैं तो भी पत्ता हम लोग का रखा हुआ है, तो फिलहाल हम नहा के आते हैं दोस्तों, फिर आप लोग से मिलते हैं। इधर दोस्तों हम नहा धोवा के घर आ चुके हैं, देखिए अभी हमको खाना भी मिल गया, देखिए खाना में क्या क्या मिला है, देखिए भिंडी है, थोड़ा सब्जी है, और वो चटनी है साग का चटनी। तो चलिए दोस्तों अभी खा लेते हैं हम, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। चलो दोस्तों खाना खा के कम्प्लीट हो गया मेरा, और देखिए सानवी बेटी भी आ गई, देखिए यहाँ पे कपड़ा खोल रही सानवी अपना, है सानवी आज जाएगी पार्टी घर जाएगी सानवी दोस्तों, आज हम लोग के यहाँ पे होता है ना छठियारी होता है, तो उस टाइम बुलाया जाता, तो उस टाइम नहीं बुलाए थे आदमी, एक सिस्टर लगेगी तो उसी का घर जाएगी मम्मी और सानवी, तो अभी सानवी फिलहाल रेडी होगी अभी, क्योंकि मम्मी उसी का इंतजार कर रही थी कब आएगी सानवी। तो इधर दोस्तों देख सकते हैं मेरे सानवी बेटी को रेडी कर रही है मम्मी उसकी, देखिए सानवी लिपस्टिक लगा ली ना, सानवी दिखाओ इधर घूमो, ये देखिए कैसे दिखती है, पूरा पहन ली नया नया चूड़ी पहनेगी ना, कहाँ चूड़ी को साख रखे हैं जी फोड़ दीजिए सानवी को, बड़का बड़का चूड़ी से तुम पाल लो नहीं नहीं क्या नहीं हाँ बोला ना तुमने। तो इधर देखिए सानवी बेटी बाहर निकल रही है और घुस रही है मम्मी के साथ जाने लगी यहाँ पे, ये देखिए गाड़ी हम लोग का ऑलरेडी पहले से आया हुआ है, रुको सानवी, ये देखिए सब कोई जाने लगी और उधर गाड़ी लगाई हुआ है, तो सानवी ये देखिए उल्टा दिस बस जाना है
वो देखिए बैठ के हसन भी उधर गोलुकमा, उधर दोस्तों गोलुकमा घुसा रही है बकरी। वहाँ पर देखिए, वो देखिए हम लोग का नज़ारा। लाल दोस्तों सानवी चल गई और ये देखिए मेरा गोलू बेटा उठ चुका है। सो क्या देखिए बिस्किट खा रहा है। और इधर कबूतर सब गोलू देख रहा है। देखिए कबूतर सब हम लोग का किस तरह से इधर कोटा है ना, तो चावल चुन रही है। देखिए किस तरह से, देखिए ये मस्त टाइप से कबूतर लग रहा है, हम लोग को नज़र आता होगा। गोलू देख रहा है, गोलू एक शॉर्ट वीडियो बनाया था ना, उसी के लिए सोच रहा है ना। गोलू जाएगा उड़ाने, उड़ाने जाएगा, जाओ गोलू उड़ाने जाने खोजता है। वो बिस्कुट रख के जाएगा, नहीं जाने नहीं जाएगा। रेडी हो गया गोलू जाने के लिए ना, ये देखिए। कबूतर जब काम हो गया तब जाने खोज रहा है। देखिए अपने भाग गया गोलू, जैसे कड़ा हुआ भाग गया, दौड़ जा अपने उड़ गया जी। जा गोलू उड़ गया, आ बैठो बिस्किट खाओ। चल दोस्तों हो गया शाम का टाइम, और शाम का टाइम देख सकते हैं हम लोग का पूरा रोड में पानी बह रहा है, जान की बारिश हुआ दोस्तों। और हम अभी निकल पड़े हैं बाड़ी की ओर, थोड़ा सा उधर ब्रोकली जहाँ पे छिटे हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा साफ सुथरा करेंगे, क्योंकि बरबट्टी वगैरह है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं अपना बाड़ी। फाइनली दोस्तों हम बाड़ी पहुँच चुके हैं, और ये देखिए दोस्तों हम प्याज लगाए थे, वो सब देखिए किस तरह से हरा भरा आप लोग को नज़र आ रहा। देखिए किस तरह से हरा हो गया, जो पीला था वो हरा हो गया, जैसे मिट्टी मिल गया वो हरा होने लगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हम कुछ इस तरह से किए थे, देखिए आप लोग को देख के समझ गए क्या बना दिए हैं यहाँ पे। ये देखिए हम लोग जो चारा दिए थे ब्रोकली, वो गिरने लगा था, मतलब होता नहीं ये सब खाने लगा था बहुत सारा, क्या होता है वो सब घोंघा सब, घोंघा सब खाने की वजह से हम लोग क्या किए इधर साड़ी का घेराव कर दिए। तो देखिए यहाँ पर गिर गया, बारिश हुआ है ना यहाँ पर गिर गया दोस्तों। ये देखिए इधर घोंघा नहीं जाएगा इसलिए सेफ्टी के लिए। और देखिए ब्रोकली में हम लोग का ये इस तरह से कुछ इस तरह से निकला हुआ है, उधर इतना है यहाँ पे इतना है। और ये सब देखते ना बरबट्टी दोस्तों, देख रहे हैं इधर साफ़ सुथरा किया हुआ, इधर बहुत ज़्यादा घास है, तो वही हम क्या करने वाले हैं घास को थोड़ा सा साफ़ करने वाले हैं। वो साफ़ करेंगे उसके बाद देखेंगे, इससे तभी फलन आएगा, अगर साफ़ नहीं होगा ना तो फलन नहीं आने खोजेगा। इसलिए देखते हैं इधर भी थोड़ा सा लगा हुआ है, इधर भी थोड़ा सा घास सब साफ़ कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए कल गोलू की माँ साफ़ की थी, आज हम थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी साफ़ उफ कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत लगेगा साफ़ करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग वीडियो को यहीं पे रखते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा है। दोस्तों अच्छा लगा तो मेरे चैनल को एक लाइक कीजिएगा, जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को दोस्तों बाय बाय, दोस्तों बाय बाय।